फ्रेंड्स, आज मैं आपको RACIT 31 जुलाई 2022 के आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो आंसर है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। तो पहले का आंसर है डी, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है, तो आंसर है मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा सेम लेटर को डिफरेंट एड्रेस या डिफरेंट पीपल को सेंड किया जाता है, तो आंसर है दूसरे का डी, मेल मर्ज। रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं? तो विंडोज़ रजिस्ट्री रीस्टोर भी कर सकते हैं, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को भी रीस्टोर कर सकते हैं। तो विंडोज़ रजिस्ट्री रीस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रीस्टोर करना, दोनों विकल्प सही हैं। तो आंसर आएगा तीसरे का सी। MS Excel में एक टेबल जिसमें 0 से 10 तक अंक है, अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो आप कौन सा करो? तो ये सारे फॉर्मूले गलत हैं। अगर आपको करना है तो इक्वल सम इफ A2:8> 5 करना था, तो इसमें बोनस नंबर मिलेगा। चौथा का आंसर सारे ही गलत हैं, तो आंसर आएगा चौथे का सम इफ A2:8> 5। MS PowerPoint 2000 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया था? सबसे उपयुक्त विकल्प है, तो आप फाइल टैब पर क्लिक करके क्लोज पर विकल्प करके भी कर सकते हैं। आप विंडो के बताइए पर क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल W का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारे आंसर सही हैं, पांचवा का आंसर है डी। सोशल नेटवर्किंग साइट के कौन से उदाहरण हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उपरोक्त सारे ही हैं। फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम है। तो छठे का आंसर है डी, उपरोक्त सब। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण को दर सबसे अधिक होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की होती है। तो आंसर आएगा सातवें का सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायरलेस नेट में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा माइक्रोवेव का भी यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड का भी यूज़ करते हैं, रेडियो चैनल का भी करते हैं। तो सारे आंसर सही हैं, आठवें का आएगा डी, उपरोक्त सभी। वैसे वायरलेस में डेटा ट्रांसफर करने रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी। आंसर आएगा आठवें का डी, उपरोक्त सभी। MS Access 2000 उपयोग करता था कौन से डेटा प्रकार? दर्ज या बदला नीचे उसे कहते हैं ऑटो नंबर। ऑटो नंबर जो होता है ऑटो इंक्रीमेंट होता है और इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो नौवें का आंसर आएगा सी, ऑटो नंबर। सी, ऑटो नंबर। MS PowerPoint के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं? देखो Ctrl+M आना चाहिए वैसे तो, वैसे Ctrl+D होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, लेकिन इसने Ctrl+D नहीं है तो Ctrl+M, क्योंकि Ctrl+M के द्वारा न्यू स्लाइड को इंसर्ट किया जाता है यानी ऐड किया जाता है। तो आंसर आएगा सी, दसवें का सी, Ctrl+M। Ctrl+N होती है न्यू स्लाइड को क्रिएट करने के लिए, Ctrl+M होती है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+Z अंडू के लिए, जबकि Ctrl+D डुप्लीकेट के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर डी नहीं दिया है। तो आंसर आएगा सी, Ctrl+M, दसवें का सी। निम्नलिखित को सुमलिखित करना है, Ctrl+Shift+C फॉर्मेट पेंटर होता है, Ctrl+Z अंडू होता है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन के लिए यूज़ किया जाता है, Ctrl+S रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर आएगा बी, पहले का आएगा चौथा, यानी कि चौथे का मतलब है पांचवा, सॉरी पहले का आएगा पांचवा, जिसको बोलते हैं फॉन्ट फॉर्मेट पेंटर। Ctrl+Z अंडू के लिए होता है, जिसका आंसर आएगा चौथा, और दूसरे तीसरा जो कंट्रोल पार्ट का संरेखण करने के लिए, और पहले चौथे का है पहला बदलने, तो यानी कि दैट इज़ कॉल्ड द रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, Ctrl+Shift+C पांचवां फॉर्मेट पेंटर है, Ctrl+Z अंडू के लिए फोर्थ है, Ctrl+S अलाइन टेक्स्ट के लिए सेकंड नंबर है, और Ctrl+H रिप्लेस के लिए फर्स्ट नंबर है। तो आंसर आएगा बी, 11वें का बी। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, तो उसे IP एड्रेस कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से ही उसकी पहचान की जाती है। तो आंसर आएगा 12वें का सी। आसानी से पढ़ने के लिए उपयोग कर सूचना का हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे टेबल कहते हैं, लेकिन एक शीट के अंदर भी जो टेबल ही होती है, क्योंकि शीट में भी टेबल ही होती है, इसलिए आंसर आएगा डी, टेबल। शीट के अंदर भी, एक्सेल शीट के अंदर भी हम रो को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जबकि टेबल में भी हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो आंसर आएगा 13वें का डी, टेबल। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडियम पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता और पढ़ता है, उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। तो चौथा आंसर आएगा ए, OMR। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों को निगरानी करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर है? ट्रैक चेंजेस का यूज होता है। तो आंसर आएगा सी, 15वें का सी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? सोचने की क्षमता नहीं होती। तो आंसर आएगा 16वें का सी, डी, सोचने की क्षमता। कौन सी चीज़ का उपयोग फाइंड व रिप्लेस? Ctrl+F से फाइंडर खुलता है, Ctrl+H कट के लिए होता है, Ctrl+R जो होता है, Ctrl+H वो होता है रिप्लेस के लिए, लेकिन फाइंड और रिप्लेस दोनों डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+H का उपयोग किया जाता है। तो 17वें का आंसर आएगा डी, Ctrl+H। फाइंड सिर्फ खुलता है Ctrl+F से, जबकि फाइंड व रिप्लेस दोनों डायलॉग बॉक्स जो खुलते हैं वो Ctrl+S से ओपन होते हैं। तो 17वें का आएगा डी।
आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए कंडीशनल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उसे OTP वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। तो 18वें का आएगा डी। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होता है। सीपीयू परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। तो 19वें का आएगा बी सुपर कंप्यूटर। .edu.edu.ml नेट के एक्सटेंशनों को डोप लेवल डोमेन भी कहते हैं, इन्हें डोमेन कोड्स भी कहा जाता है। तो आंसर आएगा 20वें का सी, इनको टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं, डोमेन कोड्स भी कहते हैं। 20वें का आंसर है सी। विंडो में किसी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए किसे का उपयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर। तो आंसर रहेगा 21वें का ए, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर या शिफ्ट प्लस डिलीट एक ही बात होती है। तो आंसर रहेगा 21वें का ए, 21 का आंसर है ए। कौन सा कथन असत्य है, CRT मॉनिटर सबसे पतला मॉनिटर होता है, गलत है। डॉट मैट्रिक्स वादी गति वाला कंप्यूटर है, गलत है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, गलत है। बारकोड रीड इनपुट ये सही है, लेकिन इसमें असत्य होते हैं, तो ए बी सी तीनों ही गलत है। तो आंसर रहेगा बी, 22वें का बी, ए बी सी आंसर रहेगा बी। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग रैम द्वारा अधिक बार उपयोग में आने सूचना को संग्रहित करने के लिए आता है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। रैम के द्वारा बार बार डेटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी के द्वारा बार बार डेटा को रैम के द्वारा अधिक उपयोग करने जो मेमोरी होती है उसे कैश मेमोरी कहा जाता है। इसमें कहेगा बी। एक फाइल जिसमें पूर्ण सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो उसे टेम्पलेट कहा जाता है, जिसकी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट कहते हैं, DOTX होती है। तो ये जो है टेम्पलेट के लिए होती है। तो 24 का आएगा C टेम्पलेट। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए तो उसे बोलते हैं POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 खाता होता है, इसका उपयोग हम डाउनलोड करने के लिए करते हैं। तो 25वें का आएगा बी POP3। एक छोटी सी तस्वीर जो प्रोग्राम फोल्डर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करती है और जब डबल क्लिक किया जाता है उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है उसे आइकन्स कहा जाता है। तो 26वें का आएगा बी आइकन्स। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, राज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उनका एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ऐसे राज में राशन का क्लाउड भी कहते हैं। तो आंसर आएगा 27 का ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ए 27 का। विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन पर चार विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, उसे स्नैप असिस्ट कहते हैं। स्नैप असिस्ट तो आंसर आएगा 28वें का बी स्नैप असिस्ट। क्या होता है, एक मानव रहित हवाई वाहन होता है। तो आंसर आएगा 29वें का ए, तो आंसर के ए 29वें का। डोमेन नेम का पता लगाने और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए DNS डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आएगा 30वें का सी DNS। दस्ता में हाइपरलिंक डालने छोड़कर कुंजी कंट्रोल प्लस के होती है, तो आंसर आएगा 31वें का सी कंट्रोल के। MS वर्ड 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि पर उसे उसके लिए मोड फंक्शन मोडुलस शेषफल या रिमाइंडर को रिटर्न करने के लिए मोड फंक्शन होता है। तो 32वें का सी। निम्न किसकी व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में आता है, उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर कहते हैं, ईमेल क्लाइंट MS आउटलुक होता है। तो आंसर आएगा 33वें का बी। कौन सी लाभ PMJDY से जुड़े हैं, 5000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा सही है, 1,00,000 का दुर्घटना में सही है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा सही है, उपरोक्त सारे सही हैं। 34वें का डी, उपरोक्त सारे सही हैं डी। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस रूप में, तो IPD होता है, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आंसर रहेगा 35वें का बी, तो आंसर है 35वें का बी। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक्स फॉर फ्रॉम वाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर VAS SGNL।